अरे बाबू निकल शायद नब्बे रुपये रुपये भी दे रहे हैं तो कल कल देखो ये हमने केसर ढाबा में हमने परोठा खाया है 90 रुपीज़ का दिया है, बटर दाल कितना वाइट बटर चाय लिया है 150 में टोटल आया, और किरण अब खा रही चाय पी रही है, बताओ कैसी लग रही चाय, फेमस है जी जी ये खा के बताना ठीक है, इस केसर ढाबे के परोठे के बारे में बताओ पहले। सही है मतलब क्या है, बहुत बढ़िया 150 रुपये वसूल, 10 में से कितने नंबर, 10 में से तुम बताओ ना, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ 10 में से 10 नौनी क्यों ठीक है, क्या होता है ठीक है कि अच्छा है भाई। आज हमने अभी जो अपना अमरनाथ यात्रा का लास्ट पॉइंट है, हम दिल्ली तरफ आ रहे थे, हम लोग की बस रुकी केसर ढाबा पे, केसर ढाबे पे, और हमने भाई मैं तो पहले लगा बहुत महंगा होगा, मगर जब हम अंदर आए तो 90 रुपीज़ का आलू का परोठा पूरा ये कटोरी भर के मक्खन दिया, और बहुत ही जबरदस्त, और 29 रुपीज़ की चाय थी, पर मैं चाय की क्वांटिटी भी थी क्वालिटी भी थी और बिल्कुल कड़क चाय, और मान लो एक परोठा तो हमने खाया नहीं है, तो मैंने और किरण ने आधा आधा दिया, और अगर और भी कोई यात्रीगण आया हो तो इस रोड पे तो आप लोग यहाँ पे ज़रूर ठहरिए, और ये इसका खाना हमें बहुत अच्छा लगा, हम लोग तो भाई 10 में से मैं तो 10 में से 11 पार्टी दूंगा, अगर जो अच्छा होता करती है तुम बताओ, 10 होता है मगर मैं 10 में से 11 देता हूँ ठीक है, हाँ ये मेरे के लिए नहीं है, तो मैं बच्चों को भी स्कूल में ऐसे करता हूँ, थोड़ा सा भी गंदा होता था थोड़ा सा गंदा होता था एक स्टार, अच्छा होता तो 2 स्टार, इससे क्या होता है बच्चे को, हाँ और देखने में मतलब हाई फाई, अभी हम लोग टॉयलेट के बाथरूम में बहुत ही बढ़िया साफ सफाई, और उसके बाद हम लोग घर पहुँचेंगे, और हमारे इस वीडियो को अगर आप लोग देख रहे हो तो हमारे इस वीडियो को अधिक से लाइक करें शेयर करें, और अब हमारी जो जर्नी अमरनाथ यात्रा की समाप्त होने वाली, और फिर जिंदगी में फिर कभी मौका मिला तो हम लोग फिर से एक बार अमरनाथ की यात्रा की कोशिश करेंगे, स्वस्थ होने के बाद चार धाम और तो करेंगे, मगर सबसे हमारे मेन जो मुश्किल जो था ना अमरनाथ की यात्रा, और हाँ ये हम लोग के लिए अमरनाथ यात्रा मक्का मदीने की तरह ही होती है, और हमारे जो बहुत ही जो हमारे कुछ साथी लोग थे बड़े अच्छे अच्छे थे, जो मिले अच्छे अच्छे लोगों से मिले हम लोग, महिलाओं का हमें साथ मिला, कीर्तन मंडली मिली, एक बाबा जी मिले, और हमें बहुत अच्छे अच्छे साथी लोग मिले, और क्या मैं बताऊँ, सभी लोग हमारी बस के अच्छे हैं, हम लोग के साथ हमारी जो संगति के साथ सब लोग के साथ कैसी अमरनाथ की यात्रा रही, यात्रा बहुत ठीक है, मन से करे हो, मन से बिल्कुल अच्छा ठीक है, जो जो भगवान, हाँ मगर ये कि हम लोग ने भी तो सोचा भी नहीं था कि भाई इतना मुश्किल, मगर एकदम से मैं ये इलाज करा रहा था डॉक्टर साहब से, तो उन्होंने बोला, फिर पहले तो हमने वीडियो देखी हम तो डर गए, तो हमने तो बिल्कुल एकदम से कर दिया, फिर हमने कहा नहीं चलो चल दिए, फिर हमने पूरी यात्रा मान लो वो जब नीचे से ऊपर के घोड़े पे करी, हाँ घोड़े पे करी, और वैसे ही मैंने देखे ना घोड़े पे परेशानी तो, हाँ परेशानी तो बहुत थी, बैक साइड कभी आगे हो कभी पीछे हो, हाँ और जो घोड़ा भी चल रहा था ना, और जो घोड़े भी चल रहे थे उनका रास्ता था कितना कीचड़, और नॉर्मल आदमी तो चल ही नहीं सकते कहाँ कीचड़ पाते, हाँ अभी तो बहुत जगह है, द्वारकाधीश ठीक है ना, उड़ीसा, साउथ, अच्छा हो जाए आप,
और साउथ साउथ साइड में रामेश्वरम हो गया है। अच्छा रामेश्वरम हुआ है। अभी हमने तब शुरुआत करी है। ये नहीं हो पा रहा ना केदारनाथ केदारनाथ मंदिर नहीं। हाँ नहीं पिछले से पिछले साल ना हमारे दोनों बच्चे गए थे तैयार बैठा। अरे केदारनाथ में ना के वो जो इस साल कह रहे थे मेरे को इस साल हाँ नहीं नहीं अगले साल नहीं साल सोचेंगे हम भी फिर सोचेंगे। हाँ क्योंकि अगले साल ना केदारनाथ बद्रीनाथ में ना हम लोग सोच रहे थे इस साल तो उसमें बोले पापा ऐसे करते ना हेलीकॉप्टर पहुँच जाए ना आ जाना। फिर हम लोग तो हमने कहा ठीक है। फिर वो जो क्रैश नहीं होता है हेलीकॉप्टर उस वजह से हो गया। फिर उसको जो हमारे जो बच्चे उससे एक साल पहले गए थे वीडियो भी बनाएगा पिछले साल ही 13-14 को पहुँचे थे उसके बर्थडे वहीं तो बनाया था। हाँ तो वो लड़के अभी हाँ अभी वाले में बनाया था 22 वाले में तो वो 22 में गए थे 22 वाले में गए थे। और आप जाके वो नहीं और वो लड़का वड़का ना वो कह रहे कि सर केदारनाथ मुश्किल है थोड़ा सा ज्यादा नहीं। बद्रीनाथ में तो ना गाड़ी जा रही है बिल्कुल गंगोत्री यमुनोत्री का पता नहीं कैसे था। नहीं गंगोत्री भी गाड़ी चल जाती है यमुनोत्री यमुनोत्री पहले थोड़े से पहाड़ पे चढ़ना केदारनाथ भी पहाड़ ऊपर है। हाँ वो तो पूरे बद्रीनाथ बिल्कुल गाड़ी जाएगी बाबा जी ये बताओ कि अमरनाथ की यात्रा कैसी लगी आपको? बहुत बढ़िया ना। हाँ और हमें तो उम्मीद थी ना एक बार आपको रोक दिया था कि पता नहीं होगा नहीं होगा मन में दुख भी हो रहा था। चलो भगवान की दया से हो गया है ना। चलो ठीक है। और अभी गांव जाओगे? अच्छा दिल्ली में ही। चलो अब अगली यात्रा कौन सी है? क्या चार धाम वाली यात्रा हम जाएंगे हटने वाले नहीं है। अच्छा ठीक है आपके साथ आए। हाँ हम चार पाँच दिन आज भी पढ़ते हैं। हाँ अच्छा बाबा जी आप वो क्या ना पूजा पाठ भी करवाते हो क्या? अच्छा लेना देना नहीं। हाँ ओम का पूजा पैसा। तो बाबा जी बताओ ना अपना नाम एड्रेस सब बताओ ना। शादी भागवत। अच्छा अच्छा ये जितने भी कथाएं हैं सब। अच्छा भगवान इतना हमको सरस्वती मैया के हम गाड़ी लग आप लोग के सामने हम पढ़ाई आप नाम। हाँ चलो ठीक है बाबा जी। लेकिन साथ में लिखा है जखा शक्ति दखीरा होता है। अर्ध पूजा कराया जो दे रहा है उसी से ले लो। अगर तुम मांग कर ले वो तो 10-20-50 हमको भी तो अच्छा नहीं लगता है। अब हम जिंदगी में ऐसा ठीक है।